हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन, भरवा बैंगन बनाऊंगी। ये बैंगन मेरी छत से तोड़े हुए हैं, ये देखिए निकल आए थे काफ़ी बैंगन। ठक ठक कर रहा है बुलेट, है ना? तो मैं फिलिंग के लिए बता देती हूँ आपको क्या क्या ऐड करूँगी। फिलिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या लेना है। मैं ले रही हूँ लाल मिर्च, ये देखिए, और ले रही हूँ मैं हल्दी पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, और मैं लूँगी नमक। इसके अलावा ये देखिए, इसके अलावा हमें चाहिए क्या चाहिए, अगर आप कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना चाहते ना तो आप डाल सकते हैं इसमें ये फ्रेश फ्रेश दही, ये देखिए एकदम गाढ़ा दही, सिर्फ 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं। इससे हमारे जो बैंगन होंगे ना बहुत टेस्टी बनेंगे। भरवा बैंगन आप उसमें बैंगन में चीरा लगा के भी भर सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है बैंगन बनाने के लिए। एक चीज़ इसमें और जाएगी, वो क्या जानी है मैं बता देती हूँ। ये है अजवाइन के पत्ते और ये है नियाज़ू के पत्ते, ये भी हमने इसी में कट कर लेने हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अजवाइन बहुत टेस्टी होती है और वैसे भी इसके फायदे बहुत हैं अजवाइन के। तो नियाज़ू भी बहुत अच्छा रहता है, आप चाहे तो इसमें पुदीने के पत्ते हैं ये मेरे पास, मैं ये भी डाल दूँगी। ये मैं रायता बनाने के लिए लेके आई थी क्योंकि बैंगन किसी को नहीं खाने, बच्चों के लिए तो मैं कुछ और बनाऊंगी हस्बैंड के लिए भी, लेकिन बैंगन मुझे बहुत पसंद है। एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे, वो एक चीज़ क्या है मैं आपको बता दूँ, क्या है वो है 1/2 चम्मच बेसन। इससे हमारे बैंगन बहुत टेस्टी बनेंगे। और अगर आप ग्रेवी रखना चाहें तो ग्रेवी भी रख सकते हैं, जैसे जी देखिए ऐसे घना सा तैयार हो गया, जो बेसन है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी थिक कर देता है, पानी होता है। तो हम सामान उठा लेते हैं, इसको अपने अपने जगह पे रख देते हैं। ये देखिए, ये गया नमक, ये गई काली मिर्च, यहाँ मैंने रिफाइंड डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ये जो दही का बनाया था हमने मसाला, हमने इसी में सारा कुछ ऐड कर दिया था ना, जितना भी दही है उसमें से निकाल लेंगे मसाला। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये बैंगन, ये देखिए बहुत टेस्टी ऐसे बैंगन बनते हैं। ये जो हमने इसमें बैंगन में कट लगा दिया, इससे ना ये जो भी सारा मसाला होगा ना इसमें अंदर चला जाएगा। सारे बैंगन में मैंने ऐसे ही कट लगा दिए हैं, ये पूरे वैसे ही बनेंगे जैसे हमारे भरवा बैंगन बनते हैं, पूरा सेम टेस्ट होगा और बनेंगे इतने टेस्टी कि आप कहेंगे
दोबारा से फिर बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी बनेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। ये दूध वाला आया था तो मैं दूध रख देती हूँ। जिस कटोरी में हमने ये ऐड किया था मसाले वगैरह, उसमें 2 चम्मच पानी डाले मैंने, क्वांटिटी से पूरे 2 चम्मच। तो उससे क्या होगा, बैंगन नीचे नहीं लगेंगे गले के फ्राई करने में। जिस दिन मैंने बैंगन तोड़े थे ना छत से, उस दिन मैंने 5 करेले भी तोड़े थे। करेले मैं बना लूँगी। करेले को पहले हम फ्राई कर लेंगे, बाद में इसमें हम डाल देंगे इसके मसाले। तो चाकू ही आया आगे, इसको भी धो देंगे क्योंकि हमें चाकू नहीं चाहिए, कुछ चम्मच चाहिए कि कुछ हो। ये छोटी सी करछी है, इससे हम इनको फ्राई कर लेंगे। और अब हम देख लेंगे अपने बैंगन भी। वाह क्या बात है, बैंगन हमारे परफेक्ट पक रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं शक्ल से तो अकल पता नहीं इनकी कैसी होगी। ये देखिए बैंगन, पीछे से लाइट पड़ रही है ना। तो मीडियम फ्लेम आंच पर ही हमें पकाना है, तो बैंगन अच्छे से पक जाए ना तो भी अच्छा है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा फिर बाहर से पक जाएगा। और करेले को हमें अच्छी तरह घुमा घुमा करके बनाना है। फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होगी, मीडियम कर देते हैं, मीडियम फ्लेम पे ये बनेंगे। तो आप बताना किस किस ने अपने घर में सब्जियां लगा रखी हैं। हिमाचल में से मेरे फ्रेंड है दादी, उन्होंने तो सब में लगा रखी हैं। मैंने सिटी में लगा रखी हैं, लुधियाना में। और देख लेते हैं अपने करेले तो थोड़े से ही है मेरे, पर ये है कि शुगर वाले पेशेंट के लिए ठीक है, मैं अपने लिए थोड़े थोड़े बना लेती हूँ क्योंकि क्योंकि बच्चों को कटे हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को ना भर के वाले, भर जो फिलिंग वाले होते हैं ना करेले, बहुत पसंद है, वो भी पनीर की फिलिंग वाले और प्याज काट के उस फिलिंग के। जब तक ये मेरी बनती है तब तक के लिए मैं बैठ जाती हूँ। और आप भी वीडियो में बने रहना। यहाँ मैंने सारे पर्दे वाले निकाले हैं, ये देखिए पर्दे निकाल के धोए हैं हमने। ये हमारा ताइशु सोया है, ये अनु है। लाइट जगाने से ना गर्मी सी हो जाती है, इसीलिए लाइट नहीं जलाई। कि कभी कभी मौसम ठंडा हो जाता है, सुबह शाम का ठंडा रहता है, बट ना ये है कितना टाइम हो गया ना,
पौने 2, पौने 2 का टाइम हो गया, तो दोपहर के 1:45 का। तो इस टाइम गर्मी होती है, मैं भी थक हार जाती हूँ ना, तो मैं भी लेट ही जाती हूँ। क्या करूँ, काम धाम भी इतना होता नहीं है मेरे से, थक जाती हूँ, तबीयत ख़राब रहती है, कभी ठीक भी नहीं रही मेरी। 12 महीने 30 दिन की बीमार हूँ मैं। कोई नई बात नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे भरवा बैंगनी तैयार हो गई, और ये जो मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई थी, इसमें मैंने एक प्याज भी काट दिया था। करेले को मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट को। ये देखिए, ये मसाला इसके अंदर तक ऐसे है, ये देखिए ऐसे इसके अंदर तक मसाला है जो हमने किया। ऐसे ना बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि आपने बैंगनों को फिल नहीं किया, सीधा आपने मसाले में इनको डाल दिया। जैसे जीरे का तड़का नहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं किया। जो मैंने दही का बनाया था ना बैटर, उसमें मसाले डाले थे, सिर्फ वही है। 1/2 चम्मच से भी थोड़ा मेरा बेसन था, ताकि जो दही मैंने ऐड किया है वो फटे नहीं। इस तरह से आप बनाओगे ना बैंगन, तो सब देखना घर में मांग मांग के खाएंगे। मेरे बच्चे खा जरूर लेंगे, लेकिन नखरे बहुत करेंगे। बच्चों को वैसे ही बैंगन पसंद नहीं होते। तो ये थोड़े से करेले बने थे, तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं करेले भी। और ये देखिए बैंगन तो बहुत ही यम्मी बने हैं, एक तो मैंने खा करके भी देख लिया। तो ठीक है, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर कमेंट करें। लव यू, बाय बाय।